प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए वैसे तो एकादशी पर हर समय सुबह दोपहर शाम रात जब भी मौका मिले आपको पूजा करनी चाहिए, लेकिन देव शयनी एकादशी पर कैसे पूजा उपासना करेंगे? रात को विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करिएगा देव शयनी एकादशी पर। उन्हें पीली वस्तुएं, पीले फल, पीले फूल और विशेष कर पीला वस्त्र, पीला कपड़ा उनको अर्पित करिएगा। इसके बाद उनके मंत्रों का जप करिएगा, जैसे ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, किसी भी मंत्र का जप करिएगा जितना कर सके। और इसके बाद भगवान विष्णु की आरती उतारिएगा और आरती के बाद भगवान विष्णु की प्रार्थना करिएगा। एक श्लोक आपको बताते हैं, एक मंत्र आपको बताते हैं, तीन बार बोल करके इस श्लोक से, इस मंत्र से भगवान विष्णु से प्रार्थना करिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम्, सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम्, विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम, विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। ये तीन बार कहिएगा और इसके बाद भगवान से प्रार्थना करिएगा कि भगवान आपके ऊपर करुणा बनाए रखें, इस समय में भी आपके जीवन में शुभता बनी रहे। भले ही भगवान योग निद्रा में चले गए हों, उनकी कृपा और उनकी करुणा आपके ऊपर बनी रहे। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए सामान्यतः जो शुभ और मंगल कार्य हैं, परंपरा कहती है विवाह नहीं करेंगे, घर का निर्माण नहीं करेंगे, कोई मंगल और शुभ कार्य भी देव शयन में नहीं करेंगे। लेकिन जो काम पहले से चले आ रहे हैं, जैसे आपका मकान बनता चला आ रहा है, अब मकान में छत डालनी है, तो आप शुभ मुहूर्त का इंतजार नहीं करेंगे, आप देव शयनी की चिंता नहीं करेंगे। मकान आपका पहले बनना शुरू हो गया था, आप छत डाल दीजिए, काम को आगे बढ़ा दीजिए। या मान लिया किसी को संतान होने वाली है या संतान हो गई है और संतान का नाम रखा जाता है एक महीने के अंदर या 10 दिन के बाद, और वो समय आ रहा है इसी समय में देव शयनी के बाद, तो उसमें भी कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि वो काम तो होना ही है, इसीलिए आप नाम भी रख लीजिए, अन्नप्राशन भी कर लीजिए। उसमें जो काम फिक्स हैं, जिनको बदला नहीं जा सकता, उनको इस समय में कर सकते हैं, उसमें मनाही नहीं है। और जो काम पहले से चला आ रहा है, उस काम में अगर कुछ जोड़ना घटाना है तो वो काम भी आप जोड़ और घटा सकते हैं। जितने दिन देवताओं का शयन होता है, उसमें एक समय आता है नवरात्रि का। लोग ऐसा करते हैं कि नवरात्रि में शादी कर लेते हैं, नवरात्रि में शुभ काम कर लेते हैं, लेकिन याद रखिए शास्त्र सम्मत नहीं है ये। नवरात्रि में केवल एक ही दिन ऐसा होता है जब शुभ और मंगल कार्य कर सकते हैं देव शयन के बावजूद, और वो दिन होता है दशहरे का। दशहरे का दिन इस चातुर्मास में एकमात्र ऐसा दिन होता है जो विशेष पवित्र और विशेष शुभ माना जाता है। इस एक दिन के लिए आप शुभ और मंगल कार्य निश्चित रूप से कर सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।